नंबर पे उसके मन किया टेलीफोन, कोई उठाया बोला हेलो बोलो कौन। हाँ नंबर पे उसके मैंने किया टेलीफोन, कोई उठाया बोला हेलो बोलो कौन। हार्ट हुआ ब्रेक मैंने नंबर किया चेक, राइट नंबर पे रॉन्ग रॉन्ग बोल रहा कौन। हेलो कौन कौन, हम बोल रहे हैं कौन, अरे हम बोल रहे हैं कौन। नहीं जानती नहीं जानती, कल क्या हुआ था ये राज मैं हूँ खोलती, मम्मी बगल में थी कैसे को बोलती। छोड़ो ना जानू और बात को भुलाते हैं, रेस्टोरेंट चल के बर्गर पिज्ज़ा खाते हैं। गोरखपुर के हो गोरखपुर के, गोरखपुर के हो गोरखापुर के, निकला गेट कुल यहाँ गोरखपुर के, निकला गेट कुल यहाँ गोरखपुर के। अरे बलिया के सतुआ देवरिया के मरीचा, बलिया के सतुआ देवरिया के मरीचा। मुटकी मुरैया जवानापुर के, अरे मुटकी मुरैया जवानापुर के, निकला गेट कुल यहाँ गोरखपुर के, निकला गेट कुलिया गोरखपुर के। नमस्कार, बीटी न्यूज बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूँ गुलशन कुमार। आज जिनसे मैं आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ वो राजनीतिक से हटकर हैं और उन वो किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। अगर मैं उनको हेलो कौन कह के बुलाऊं तो ये स्टाइल थोड़ा सा पुराना हो जाएगा। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, हमारे साथ है सनेह उपाध्याय। स्वागत है आपका बीटी न्यूज बिहार। बहुत धन्यवाद आपका। मेरा पहला सवाल ये रहेगा कि आपका हेलो कौन इतना हिट गया है, कहाँ से आइडिया आया? हेलो कौन इतना हिट रहा, आइडिया तो जैसा कि हर बारी पता है, सबको पता है कि टिकटॉक से मिला था हमें वो आइडिया, छोटा सा क्ल्यू मिला था हमें। एंड आफ्टर दैट उसके बाद हमने उसको पूरा गाने में उसको लिरिक्स जो है उसको बनाया गया गाने में, और फिर आप लोगों के सामने आ गया। समस्तीपुर से मुंबई का सफ़र, हाँ जी, कैसे गए आप मुंबई? समस्तीपुर से मुंबई का सफ़र, समस्तीपुर में पैदाइश मेरी, पढ़ाई लिखाई सब समस्तीपुर से हुआ। उसके बाद से 2017 में मैंने ऑडिशन दिया सारेगामा पर रंग पुरवैया रियलिटी शो, जो कि बिग गंगा पे टेलीकास्ट हुआ था, और सिलेक्शन हुआ मेरा पटना, ऑडिशन दिया मैंने। उसके बाद से 5000 लोग के करीब ऑडिशंस में 8 लोग सेलेक्ट होके मुंबई गए, मेगा ऑडिशन हुआ। उसके बाद से फिर टॉप 8 तक पहुँची मैं, एंड उसके बाद मुंबई में ही रह गई। जिस जगह से आप बिलोंग करते हैं वो जगह में लड़कियों को खास करके इस फील्ड में नहीं जाने दिया जाता है, आपके साथ भी ऐसा हुआ कुछ? नहीं, मेरे साथ बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ था। मुझे बचपन से ही फैमिली सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहा, मेरे फादर मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। मेरे से ज़्यादा वो उनको ज़्यादा इंटरेस्ट था कि मैं एक बहुत बड़ी प्लेबैक सिंगर बनूं, लोग मुझे जाने, बड़े बड़े लोगों के साथ मैं गाने गाऊं, स्टेज शेयर करूं। सो मुझे कभी भी ऐसा खींचा नहीं गया पीछे, हमेशा मुझे बढ़ावा ही दिया गया है। नहीं, एक समाज का जो समाज के लोग होते हैं, आपके रिश्तेदार भी वैसे होंगे जो ये कौन सा फील्ड में जा रही है, ये गाना गा रही है, क्योंकि यहाँ जो स्टेज शो वगैरह होता है उस टाइप पे वो नज़रिया से देखते हैं, वो ऐसा कुछ होता है? मेरी शुरू से आदत है कि लोग क्या कहते हैं, लोग क्या करते हैं, मुझे मैंने कभी सोचा ही नहीं है, मैं सोचती भी नहीं हूँ। जब मेरे फादर, मेरी मदर, मेरा भाई मेरे साथ खड़ा है तो मैं क्यों किसी के बारे में सोचूं? बोलने वाले बोलते ही हैं और हमेशा बोलते हैं, सबके फैमिली में होता है, सबके समाज में होता है, बट मैंने कभी उस चीज़ को माइंड ही नहीं किया, कभी उस चीज़ को सुना ही नहीं। मेरा एक मोटो था, मेरा एक लक्ष्य था, जहाँ मुझे पहुँचना था, बस वही मेरे सामने था। लोग तो बोलते होंगे ना कि कौन सा फील्ड आपने ले लिया, क्यों जा रहे हैं, गाना गाइएगा, ऐसा कुछ? हाँ बोलते थे, बट मैं बोल तो रही हूँ कि मुझे उससे फ़र्क ही नहीं पड़ा ना कभी। अगर मुझे उससे फ़र्क पड़ गया रहता तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होती। सुशांत सिंह राजपूत का जो मामला है, क्या मुंबई में आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है बिहारी होने का? हाँ, कहीं ना कहीं तो हमें वो चीज़ फेस करना पड़ता है, एक बिहारी होने के नाते, या फिर आप यूपी से हो, बिहार से हो, कहीं ना कहीं वो चीज़ फेस करना पड़ता है। लेकिन हमें खुद को उस जगह पे स्ट्रांग बनाना पड़ता है, हर चीज़ में, हर फील्ड में। कहीं ना कहीं जब आप ऊपर जाते हो, कहीं ना कहीं जब आप आगे बढ़ते हो, तो कोई ना कोई आपका पैर खींचता है, कोई ना कोई टांग खींचने के लिए बैठा रहता है। बट उस सिचुएशन पे मैं तमाम लोग, क्योंकि मैं इस जगह पे पहुंची हूं, तो मैं बोल सकती हूं लोगों को कि जो भी न्यू कमर्स हैं, जो भी बिहार, यूपी बिहार के लोग हैं, इस चीज़ से डरना नहीं है,
ये चीज़ जो भी हुआ, बहुत से लोग डर चुके हैं कि नहीं हमारे साथ भी हो सकता है, हमारे साथ भी हो सकता है। कई गार्जियन हैं जो कि मुझे भी ये घटना होने के बाद मेरे पास भी बहुत सारे फ़ोन्स आए थे मेरी फैमिली से, जो भी मेरे करीबी थे, कि तुम कभी ऐसा मत करना, तुम कभी ऐसा मत करना। बहुत सारे फ़ोन्स मैसेजेस मेरे पास आए थे। मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ उन लोगों को कि आप झेलो, आप फेस करो उस चीज़ को। जितना आप फेस करोगे ना, आप और ज़्यादा स्ट्रांग होते जाओगे। और अगर आपके लाइफ में कुछ भी ऊपर नीचे होती है ना, तो आप अपने जो भी आप जिससे भी करीबी हो उनसे आप शेयर करो। आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके फादर हो सकते हैं, आपकी मदर हो सकती है, आपका भाई हो सकता है, आपका कोई भी हो सकता है जिनसे आप सब कुछ खुल के शेयर कर सकते हो। आपके साथ कोई भी परेशानी है, आप उनसे शेयर करो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी परेशानी का हल, कोई भी परेशानी की सॉल्यूशन ना निकले, ये पॉसिबल ही नहीं है। सुसाइड ये रास्ता नहीं होता है। तो मैंने भी बहुत कुछ फेस किया है, मैंने भी बहुत कुछ देखा है। सो मैंने कभी मेरे दिमाग में ये चीज़ नहीं आया कि मैं सुसाइड कर लूँ। मैंने हमेशा लड़ना सीखा है और आखिरी दम तक लड़ूँगी। आप हमारे चैनल पे हैं और हेलो कौन ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, तो थोड़ा सा हो जाए। ओके नंबर पे उसके मैंने किया टेलीफोन, कोई उठाया बोला हेलो बोलो कौन। हाँ नंबर पे उसके मैंने किया टेलीफोन, कोई उठाया बोला हेलो बोलो कौन। हार्ट हुआ ब्रेक मैंने नंबर किया चेक, राइट नंबर पे रॉन्ग रॉन्ग बोल रहा कौन। हेलो कौन, कौन हम बोल रहे हैं, कौन अरे हम बोल रहे हैं कौन। नहीं जानती, नहीं जानती कल क्या हुआ था, ये राज मैं हूँ खोलती, मम्मी बगल में थी कैसे को बोलती। छोड़ो ना जानू और बात को भुलाते हैं, रेस्टोरेंट चल के बर्गर पिज्ज़ा खाते हैं। अच्छा आप किस टाइप के गाना को पसंद करते हैं गाना? वैसे तो मैं सब गाने, हर तरह के गाने गाती हूँ, बट मुझे ज़्यादातर पसंद है सैड सॉन्ग, सैड रोमांटिक गाने गाना, ऐसे गाने गाने मुझे ज़्यादा। नया या फिर ये कवर, क्योंकि कवर ज़्यादा हिट हो रहे हैं आजकल। हाँ तो अभी कवर नहीं, अब जितने भी गाने आ रहे हैं मेरे ओरिजिनल्स आएंगे, जो कि मेरे खुद के गाने होंगे, वो अब मैं आप लोगों के बीच जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं उनको सुनने को मिलेगा। अच्छा लोगों की मानसिकता, अगर आप बुद्धिजीवी समाज में जाएं तो भोजपुरी गाने को लेकर एक अलग मानसिकता है कि वो लोग सुनना नहीं चाहते हैं, घरों में आप अपने फैमिली के सामने नहीं सुन सकते हैं। आपकी क्या राय है उस पर, क्योंकि आपने भी कुछ भोजपुरी गाना गाए हैं? मेरी राय, हाँ आजकल भोजपुरी में बहुत ज़्यादा वल्गैरिटी आ चुकी है। मेरी राय ये है कि मैं भी भोजपुरी गाने गाती हूँ, लेकिन मैंने आज तक कभी भी ऐसे गाने नहीं गाए हैं जो आप घर में बैठ के अपने फादर, अपने मदर या अपने बच्चों के साथ नहीं सुन सकते हैं। मैंने हमेशा वैसे ही गाने चुने हैं जो कि पूरे समाज में सुने जा सकते हैं, क्योंकि भोजपुरी में एक से एक गाने हैं, लोग वो सुनना ही नहीं चाहते हैं। आप अगर सुनना चाहोगे, आप बुरा सुनना चाहोगे तो आपको बुरा ही दिखेगा, आप अच्छा सुनना चाहोगे तो आपको अच्छा दिखेगा। आप सुनो तो अच्छे गाने भी भोजपुरी में, क्यों अच्छे गानों के व्यूज़ नहीं आते हैं? और जो वल्गर गाने हैं, जो फालतू गाने हैं, उनके मिलियंस में व्यूज़ हो जाते हैं। तो लोग सुन रहे हैं तो लोग बना रहे हैं ना, आप सुनना ही बंद कर दो ना। आप उसके खिलाफ ये सारी चीज़ें मुझे लगता है व्यूअर्स कर सकते हैं, ये जनता कर सकती है। आप उस चीज़ के खिलाफ मुहिम उठाओ, उस चीज़ के खिलाफ आप आंदोलन करो कि भाई हम नहीं सुनेंगे, हम नहीं बनाने देंगे वैसे गाने। तो देखो आप, कोई नहीं बनाएगा गाना। एक आपका गाना था गोरखपुर वाला कुछ, हाँ। वो मैं सुनना चाहता हूँ। ओके गोरखपुर के हो, गोरखपुर के, गोरखपुर के हो, गोरखापुर के, निकला गेट कुल यहाँ गोरखपुर के, निकला गेट कुल यहाँ गोरखपुर के। अरे बलिया के सतुआ देवरिया के मरीचा, बलिया के सतुआ देवरिया के मरीचा, मुटकी मुरैया जवानापुर के, अरे मुटकी मुरैया जवानापुर के, निकला गेट कुल यहाँ गोरखपुर के, निकला गेट कुल यहाँ गोरखपुर के। जाते जाते एक संदेश, जो हमारी बेटियां हैं, बिहार की बेटी है जो कुछ करना चाहती है लेकिन समाज उनको दाब के रखता है कि आप कौन सा फील्ड में जा रहे हैं, नहीं करने देती है, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? उनसे ज़्यादा मैं उनके पेरेंट्स को संदेश देना चाहूँगी, क्योंकि वो जब कोई भी, आज मैं यहाँ पहुँची हूँ तो मुझे लगता है कि अगर मेरा फैमिली सपोर्ट नहीं होता, मेरे मदर, मेरे फादर, मेरे भाई मुझे नहीं सपोर्ट करता, तो मैं भी आज यहाँ पे नहीं होती। तो जो भी लड़कियाँ हैं, और सिर्फ ये इस फील्ड की बात नहीं है, किसी भी फील्ड की बात है, अगर बेटियाँ, मैं हर इंटरव्यू में ये बात बोलती हूँ कि
अगर वो जिस भी फील्ड में आगे बढ़ना चाहती हैं, प्लीज़ 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 उनको आगे बढ़ने दें, क्योंकि बेटियाँ कभी किसी से कम नहीं हैं और आई थिंक बेटों से ज़्यादा बेटियाँ करती हैं। तो आप उन पर ट्रस्ट करो, उनको उन पर भरोसा रखो, वो जो भी करेंगी अच्छा ही करेंगी। तो जितने भी पेरेंट्स हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने बच्चियों को आगे बढ़ाएँ और जिस भी फील्ड में जाएँ जाना चाहती हैं उनको जाने दें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये जिंदगी।